दोस्तों आज के वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल करने वाले हैं जिससे कि आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपका फैन का स्पीड अगर 5 के ऊपर में हो या तो लो स्पीड 1 के ऊपर में हो आपका कितना बिजली का खपत आने वाला है, यानी कि आपका कितना पावर कंजप्शन होने वाला है या स्पीड कम करने से आपको कुछ फायदा होता भी है कि नहीं। दोस्तों आजकल के घर में इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक्स रेगुलेटर होता ही है। अब सबसे पहले हमें करना ये होगा कि उसे 5 के ऊपर फुल स्पीड में सिलेक्ट करें और फैन को चालू कर दे। हमारा फैन आप देख सकते हैं फुल स्पीड यानी कि 5 की स्पीड पे चल रहा है। अब दूसरा जो स्टेप है उसको आपको ये फॉलो करना है कि पूरी स्विचेस आपके घर में बंद हो। आप एंश्योर कर लीजिए कि आपका जो टीवी है या तो फिर किचन बाथरूम जो भी है उसकी स्विचेस बंद हो, और सबसे ज़्यादा एसी या फ्रिज उसका भी स्विच बंद हो, यानी कि आपके घर के सारे स्विच बंद हो अलावा की जो फैन का रेगुलेटर है और वो जो फैन की स्विच है उसके अलावा सब बंद कर दीजिए। चलिए तो अब हम चलते हैं हमारा जो एनर्जी मीटर है उसकी स्क्रीन के ऊपर में। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट दिखा रहा है 18/7/2022। अब दोस्तों ये जो है वो है एनर्जी कंजप्शन, जो कि हमारा पिछला रीडिंग इसमें से माइनस करने से हमें यूनिट्स मिल जाएंगे। अब दोस्तों जो नेक्स्ट आने वाला है वो है हमारा मैक्सिमम डिमांड, जो कि है किलोवाट। आप देख सकते हैं यहाँ हमारा मैक्सिमम डिमांड दिखा रहा है। अब जो नेक्स्ट रीडिंग आने वाला है वो है हमारा वोल्टेज, हमारे घर पे कितने दबाव से वोल्टेज आ रही है वो दिखा रहा है, जो कि 251.2 वोल्ट है। अब जो नेक्स्ट आने वाला है वो है हमारा लाइन करंट, और इसके अलावा आप देख सकते हैं ये है न्यूट्रल करंट, जो कि दोनों की दोनों बैलेंस है। अब जो नेक्स्ट आने वाला यूनिट है वो है हमारा मैन, जो कि दिखा रहा है 0.86 किलोवाट, यानी कि ये अभी 86 वॉट लोड ले रहा है। चलिए एक इक्वेशन से मैं आपको समझा रहा हूँ। अब ये इक्वेशन समझने के लिए सबसे पहले आपको वोल्टेज चाहिए होगा और दूसरा चाहिए होगा करंट। अब इन दोनों को मैं नीचे ले लेता हूँ वोल्टेज और करंट को, और उन्हें मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 85.408 वॉट, जिसे किलोवाट में करने से 0.085 किलोवाट आ जाएगा, जो कि है ये रीडिंग। अगर समझ में ना आया हो तो फिर से इस पोर्शन को स्लो करके एक बार देख लीजिएगा। वीडियो की लेंथ को लंबा न करने के लिए इसे छोटा कर दिया। अब देख सकते हैं हमारा फैन जो फुल स्पीड पे चल रहा है, अब हम रेगुलेटर पे जाएंगे और इसे थोड़ा सा तीसरे नंबर के स्पीड के ऊपर ले जाएंगे। अब देख सकते हो ये आ गया है तीसरे नंबर की स्पीड पे, और जो हमारा फैन है उसकी स्पीड भी थोड़ी पहले से कम हो चुकी है। चलिए तो फिर पुरानी प्रोसेस फिर से करते हैं, हमारे मीटर के ऊपर में जाते हैं, और आपको पता ही होगा हमें दो रीडिंग लेने हैं और एक वोल्टेज का और एक करंट का। उसके बाद में जो रीडिंग आएगा वो आएगा हमारा ये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 78 वॉट रीडिंग है, जो कि पुराने रीडिंग से कम हो चुका है। अब फिर से हमारे रूम में चलते हैं और तीसरे रीडिंग को लेने की तैयारी करते हैं। इसे एक नंबर के ऊपर में कर देते हैं, हमारा फैन चालू है, आप देख सकते हैं उसकी स्पीड बहुत ही कम हो चुकी है। अब हम वापस जाएंगे फिर से मीटर के ऊपर में, और अब आपको पता है यहाँ से सीधे ही लेना है 41 वॉट, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों तीनों को एक बार कंपेयर करके दिखा देता हूँ। जो हमारी 5 नंबर की स्पीड है वहाँ पे 86 वॉट आया है, वहाँ से कम होके जो हमारी 3 नंबर की स्पीड है उस पर आया है 78 वॉट, और 1 नंबर की स्पीड जो कि बहुत ही लो है वहाँ पर आया है 41 वॉट। तो आप देख सकते हैं अगर आपका पंखा कम चलेगा तो बिजली भी बचेगी। दोस्तों ये छोटा सा हमारा प्रयास आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।